देखो ऑफिस का परिस्थिति, मेरा भाई जाने मरे जाने, उठा बहुत बोर लग रहा है। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ के लिए मन नहीं कर रहा है। और पिकनिक जाने का मन कर रहा है। हाँ, वो तो मन कर रहा है, दारू खाने के लिए मन कर रहा है। हे गाइस, मॉर्निंग, मैं आकाश आपको स्वागत करता हूँ BLS राइडर आकाश की ब्लॉग में। दोस्तों अभी जो है सुबह का लगभग 4:30 बज रहे और मेरे को जाना है ऑफिस, जो बालेश्वर ऑफिस मेरे को जाना है, क्योंकि ऑफिस का सारे स्टाफ आज पिकनिक करने जाएंगे ऑफिस से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे। तो 6 बजे के अंदर मेरे को पहुंचना है और अभी 4:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा ऐसे ही लग जाएगा क्योंकि ऑफिस मेरे घर से 70 किलोमीटर की दूर है। तो क्या करें, जाना पड़ेगा, ऑफिस से बुलाया आया है। तो बिना देर किए रेडी होकर सीधा रास्ते पे मिलते हैं। और दूसरा बात यह है कि दोस्तों, आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ब्लॉगिंग वीडियो आपके लिए हर रोज लाता रहूँगा। बिना देर किए चलिए रास्ते पर मिलते हैं। अभी जो है दोस्तों, हम घर से बाहर आ गए, हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए। तो अभी जो है शाम का लगभग 5:30 बज रहे हैं, मतलब शाम का नहीं, सॉरी, सुबह का 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ऑफिस। तो चलिए सीधा ऑफिस या फिर रूम, जो कोई भी हो, ऑफिस या रूम पे जाके मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या आगे होता है। अभी जो है दोस्तों, हमने रास्ते में आ रहा था, मेरा तेल थोड़ा कम है गाड़ी पे, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा तेल मेरे डाल देते हैं। तेल डालने के बाद सीधा चलेंगे ऑफिस, क्योंकि तेल थोड़ा कम है तो पहले तेल को डलवा लेते हैं। उसके पहले जो है दोस्तों, जो भाई तेल डालेंगे तो उन्होंने बोले कि हमको फ़ोन पे कर दो, हम तेल डलवा देंगे। तो पहले उनका फ़ोन पे कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो पहले उनसे नंबर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन पे कर देते हैं। दोस्तों तेल डालना हो गया, सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रही है, 6 बजे पहुंचना है हमको। देखो ऑफिस का परिस्थिति, मेरा भाई जाने मरे जाने, उठा बहुत बोर लग रहा है। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ के लिए मन नहीं कर रहा है। और पिकनिक जाने का मन कर रहा है। हाँ, वो तो मन कर रहा है, दारू खाने के लिए मन कर रहा है। ये यूट्यूब पे डालेगा भाई? हाँ, डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, नहीं। ओके ओके ओके। है हमारा रूम का परिवेश। ए मुर्मू, आंदो ओका भाई, रो इतने करो सन न तो अरे टे स्माइल प्लीज सर। हो स्माइल हो मान, हो कोराबू देखो डीगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑफिस में कोई नहीं है, ऑफिस पूरा खुला मेला है। ये मेरा मैनेजर का हेलमेट और यहाँ पे सब हम बैठते हैं। देखिए मैनेजर को, देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं जानता। अरे भाई गाली दे रहा है। गाली दे रहा है यार, ये भाईजान आ गया। ये देख क्या बंदा है, देख देख देख, हरामी कहीं का। अभी जो है दोस्तों, हमने गाड़ी में बैठ गए, हम सभी के सभी गाड़ी में बैठ गए और अभी जा रहे हैं पिकनिक। बहुत लेट हो गया है, यहाँ से 80 किलोमीटर है, 1.5-2 घंटा लगेगा। तो चलिए बिना देर के चलते हैं। हाँ, कोराई क्या से ऐसा करे बुटे किया अच्छी लगी लो जाना ना उमर दे सिवाची जो हो ऐसा आगे किये
अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम मेरे को ठीक से भी याद नहीं, क्या बोलते हैं, टोनकी, टोनकी नाम है उसका। और मैं, हमारा ऑफिस का स्टाफ या फिर मैं कभी नहीं उस जगह पे गया, हम सब के लिए ये जगह नया है। तो ये देखिए दोनों साइड जंगल है, हम बीचों रास्ता से जा रहे हैं, तो टोनकी जाने के लिए बीचों बीच मतलब जंगल के बीचों बीच जाना पड़ेगा। और ये उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिना देर किए चलते हैं टोनकी और रास्ते में सब आपको दिखाते हैं क्या टोनकी है, क्या है, कुआ है, नहीं है। यहाँ पे गाड़ी को रोका गया है क्योंकि जो सब पेशाब करेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पानी पियेंगे यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए बाहर जाके आदमी लोग कर रहे हैं, हम भी जाएंगे अभी, तो चलिए। राकेश सर कुछ बोलिए। हाँ बालिगस दियो दोस्तों। उतार के हम आए थे ये सब खरीदने के लिए यहाँ पे। ये जो मीनार जी है ये किसी दूसरे का है, वहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और भी 20 किलोमीटर है जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। पूरा ये देखिए, देखिए दोस्तों हमारा गाड़ी जाम हो गया है वहाँ पे, जो है गाड़ी ऊपर आ नहीं पा रही है। यहाँ पे जो है दोस्तों हम आके पहुँच गए हैं, और देखिए यहाँ पे उतना भी खास प्लेस नहीं है, फिर भी बहुत बंदे हैं मतलब आए हैं, और भी यहाँ पे बहुत आदमी इसका बाद आएंगे क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, नया साल आया नहीं है, और भी 5-6 दिन बाकी है। यहाँ पे देखिए हमारा जो गाड़ी है वो वहाँ पे है, हमारा सब बंदे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा पहाड़ के पास आ गए हम, पूरा पहाड़ के ऊपर है हम अभी। ये हमारा गाड़ी है, अभी थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं, बाद में दिखाते हैं क्या क्या करते हैं क्या नहीं। बोलियोला देखो भाई, देखो देखो है किछी कुओ किछी कुओ कहउचंदी
पीछे कुआ। अभी जो है दोस्तों ब्रेकफास्ट में केला, अंडा, ब्रेड और एक एक मिठाई मिल गया है, चले पहले खा लेते हैं इसको। अंडा ब्रेड खाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सूप हो रहा है और यहाँ पे जो है मटन, मटन को मिक्स किया जा रहा है। और ये है हमारा ऑफिस का मैनेजर साहब, बहुत अच्छी उठी मैनेजर साहब है और वो बना रहा है सूप। और ये दिलीप भाई है, तो चलिए। ए दोस्तों हमारा सूप रेडी हो गया है, देखिए सूप खा रहे हैं हम अभी। आगे आगे जो कुछ भी खाते रहेंगे बोलेंगे, और अभी तो मेरे को शर्म लग रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हे दोस्तों हम जा रहे हैं झरने की तरफ और मेरे दोस्त सब आगे जा रहे हैं वहाँ पे, और मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, उनका सामने जाके कुछ बोल रहा हूँ तो उनको मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग, तो मैं अकेला अकेला जा रहा हूँ। तो देखिए वो लोग वो सब जा रहे हैं वहाँ पे, गा रहा है पीछे वहाँ पे। तो चलिए सीधा झरने के पास चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। मुश्ताक भाई, बिजू भाई, मेरा मोबाइल में अच्छा फोटो नहीं आ रही है, कितना दूर दूर तक हमारे बच्चे सब है देखो। फाइनल दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए यहाँ पे, और आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत मतलब पैर में दर्द आ गया है। और यहाँ पे मेरा क्या हुआ है देखिए, फूल गया है यहाँ पे, देखिए कितना आदमी सब क्या क्या कर रहे हैं, देखिए जहाँ देखो कि आदमी ही आदमी। और दोस्तों ऊपर तक नहीं जा पाएंगे इसलिए हम और हमारा दो दोस्त हम जा रहे हैं रिटर्न, और जो सब बाकी दोस्त हैं उनका शायद ताकत बहुत है इसलिए उन लोगों ने बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, पर हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। चलो रहे चलो, क्योंकि हम और नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत परिस्थिति मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो रही है, पैर में दिक्कत आ रही है। तो चलिए यहाँ से चल लेते हैं जाके वहाँ पे बैठते हैं सीधा। Yeah.
जबरदस्त हो गया काट के लाए थे उसको खा ले रहे, मतलब दारू का इतना पावर, क्या बोलूं, दारू का पावर देखते हैं, मतलब अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है, तो क्या करे, आदमी वैसी है तो क्या करेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों हमारा सब के सब काम ख़त्म हो गए और अभी 4:30 बज रहे और हम खाने बैठ गए हैं। भूख बहुत अच्छे से लग रहे हैं और देखिए मैनेजर साहब आप पेंट पहन के आ गए, इतना पी लिए मतलब उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या बोले यार, क्या आदमी है। देखिए दोस्तों है हमारा चिकन आ गया और ये मटन है, क्योंकि मैं चिकन खाता नहीं और इसलिए सब मटन खाते हैं और मैं अकेला चिकन खाता हूँ। ये देखिए ये हमारा मैनेजर जी का थाली, ये मेरा थाली है, बाजू में मेरे मैनेजर साहब बैठे हैं तो खा रहे हैं। देखिए सबके सब बच्चे खा रहे हैं, मतलब हर साल 2 बार होता है ये और बहुत अच्छी तरीके से मतलब उनको निभाया जाता है। तो चलिए पहले खा लेते हैं उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी जो है दोस्तों मेरा खाना वाना हो गया और लगभग सारे लोगों का खाना पीना हो गया है और वहाँ पे खा रहे हैं हमारे आदमी सब। तो हम अभी क्या करें, अभी तो यहाँ पे रहेंगे तो बोलेंगे काम करने के लिए, सीधा गाड़ी के पास चलते हैं जाके वहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं, नहीं तो काम के लिए बोलेंगे और मुझसे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं खा लिया हूँ बहुत। तो चलिए गाड़ी के पास सीधा चलते हैं। नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखिए पहाड़ पूरा नज़दीक है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से चलते हैं और दूसरा बात यह है कि थोड़ा बहुत और भी एंजॉय करके ऑफिस के लिए निकलते हैं। अभी जो है दोस्तों मैं गाड़ी का अंदर आ गया और जो है हमारा सभी के सभी स्टाफ सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब थाली बर्तन मांझ रहे। मैं चला आया, मैं वहाँ पे रहता तो बोलते काम करने के लिए,
और आज का ब्लॉग कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं तो बहुत मस्ती किया, आप लोग भी मस्ती करो। ये वीडियो देख के बहुत अच्छा था, प्लेस था बहुत अच्छा, मतलब पूरा पहाड़ के ऊपर आ गए थे हम, और पूरा पहाड़ का ऊपर जाके जो देखना होता है ना, चारों ओर देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो जगह में खड़ा होने के लिए सही से मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें।